Very good morning, dear all students. This is lecture number 6 of stresses in beam. Actually, this is last lecture of pending stress. After that, we are going to be start the very new module of this lecture, this chapter, that is shear stresses in beam. Okay, so this is last lecture of bending stress. So if you have any query, then comment, and if you have any problem in this lecture, then you get a screenshot and message me in WhatsApp. I send the solution of the same. Okay, so let's start the lecture. So as you seen on the screen board, the problem number 7.15. The problem is a cast iron solid students. The problem is a cast iron A cast iron beam is of I section as shown in figure. The beam is simply supported on a span of 5 meters. If the tensile stresses do not exceed 20 Newton per mm square, find the safe uniformly load which the beam can carry. Find also the maximum compressive stresses. Okay, such type of question I have already done in last lectures, in lecture number 5. So this is a unsymmetrical I section having top flange 80 mm and bottom flange 160 mm width. Okay, thickness of top flange is 20 mm, thickness of bottom flange is 40 mm. Okay, and thickness of wave is we determine the thickness of wave here 200 mm, and thickness of height of wave is 200 mm and thickness of wave is 20 mm. Okay, so this is the questions as per figure. Okay, so find out the maximum compressive stress and safe uniformly distributed load. Okay, so इस question में दिया हुआ है कि cast iron का beam है जो कि I section में है, जो beam है simply supported है, इसका span 5 meter है. अब ये बोला जा रहा है कि इसमें tensile stresses exceed नहीं करना चाहिए 26 newton per mm square से. तो पूछा जा रहा है कि safe uniformly distributed load कितना होगा जो कि beam carry करेगा, उसके अलावा हमें maximum compressive stress निकालना है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर है उसमें देख लेंगे कि सारा चीज़ दिया हुआ है. उसके बाद हम लोग को इसमें जो निकालना है सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को निकालना है. ठीक है, सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को डिटरमाइन करना है. ओके, सो यहाँ पे लेंथ ऑफ बीम दिया हुआ है 5 मीटर. उसके बाद में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस दिया हुआ है 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एज पर क्वेश्चंस. ओके, सो सबसे पहला काम करेंगे हम यहाँ पे सीजी निकालने का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो कि पहले क्वेश्चंस में मैंने करा रखे हैं कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है. इसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करने जा रहा हूँ. ओके, सो वाइबर की वैल्यू फॉर्मूला निकालेंगे a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. जो सेक्शंस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है, नीचे वाला फ्लेंज, फिर बीच वाला वेव, उसके बाद टॉप फ्लेंज. तीनों को डिवाइड कर दीजिए, तीनों का पर्टिकुलर एरिया निकालिए, तीनों का सीजी निकालिए और इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए. यहाँ से आपको वाइबर की वैल्यू निकल जाएगी. ओके, चूंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज है, मैंने कराया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर सेम तरीके से नहीं कराऊंगा. ओके, ये आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना. ठीक है, मैंने वीडियो इसलिए बना रहा है ताकि आपको जो इसके बारे में जो बेसिक्स है या जो भी कहीं दिक्कत आएगा मैं उसको सॉल्व कर सकूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में वाइबर की वैल्यू, सारे वैल्यूज को, तो यहाँ पे आपकी वाइबर की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है. ओके, उसके बाद हम लोग आई वन आई टू आई थ्री निकालेंगे. कैसे निकालेंगे आई वन आई टू आई थ्री कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से. यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस फॉर्मूला में आई वन आई टू की वैल्यू और आई थ्री की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. फिर से आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री को ऐड कर देंगे. ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस का, सिर्फ डाटा चेंज है. ठीक है, करना आप लोग को है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूट्रल एक्सिस जो है लाइज कर रहा है 90.6 mm फ्रॉम द बॉटम फेस, और टोटल हाइट 260 mm है. तो टॉप से कितना हो जाएगा? 260 माइनस 90.66 यानी 169.34 mm फ्रॉम द टॉप फेस. सो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे. तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे. ठीक है, बस मैं एक बार ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का, उसके बाद करना आप लोगों को है. ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आई की वैल्यू निकाली गई है. फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है वाई बराबर 90.66 है. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका वाई सॉरी एम की वैल्यू जो आई है सिग्मा वाई बाई आई, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सीड नहीं करना चाहिए. और वाई की वैल्यू 90.66 है और आई की वैल्यू निकाले हैं हम लोग, ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो ये आ गया. ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो आपका एम का वैल्यू आया है उसको इक्वेट कर दीजिए किससे? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. और आपको पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो अगर किसी भी बीम पे तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8.
ठीक है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, तो m बराबर यहाँ पर रख दीजिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, और l की वैल्यू आपको पता है, वहाँ से w का वैल्यू क्या कीजिए आप निकाल लीजिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस टाइप सेम क्वेश्चंस मैंने पहले कराए थे, सिर्फ डाटा चेंज है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में नहीं करा रहा हूँ। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करोगे। ओके, ये आपके लिए वर्क होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू को पुट किया गया है। पुट करने के बाद में यहाँ पे देखिए पुट किया गया, उसके बाद में m की वैल्यू पुट करेंगे तो l की वैल्यू पता है 5 मीटर था, और पुट करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू निकल जाएगी, मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो आपका आया यहाँ पे 3125W, ठीक है, यहाँ पे मोमेंट, और पहले जो मोमेंट निकाला था वहाँ आया था 2130038985। इस दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से w का वैल्यू निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे। तो आपका देखिए वाई सी की वैल्यू, वाई सी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछा जा रहा है। देखिए कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए सिंपली सपोर्टेड में जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे होता है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप कैंटिलीवर बीम के केसेस में, जो इससे पहले का क्वेश्चन था, कैंटिलीवर बीम के केसेस में जो अपर जोन होता है टेंसाइल होता है, बॉटम जोन कंप्रेसिव होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कैंटिलीवर बीम के केसेस में रिवर्सल हो जाता है उसका स्ट्रेस का। ठीक है, नॉर्मल बीम में होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है कंप्रेसिव और नीचे टेंसाइल, और कैंटिलीवर बीम में एक्सेप्शनल केस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल और बॉटम में क्या होता है कंप्रेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए आपको वाई सी की वैल्यू चाहिए कंप्रेसिव की। मैंने बताया था 260 में से जो आपका आ रहा था उसको घटा दिए थे तो आपका टॉप से आ गया था, यानी कि कंप्रेशन से। एम की वैल्यू को पता है, आई की वैल्यू पता है, फिर उस फॉर्मूला में आप रख दीजिए एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा वाई वाई। तो सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम बाई आई इंटू वाई। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आपको जो टॉप मोस्ट जो प्लेन था उसका चाहिए था, यानी वाई सी कंप्रेसिव वाला। ठीक है, कंप्रेसिव वाला रखना है वाई सी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.357 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस वैल्यू आ गया। ठीक है, और बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम के बारे में मैंने लास्ट के लेक्चर्स में अच्छे से डील कर दिए हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि वहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने का जो प्रोसेस था, किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 37.357 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ए कास्ट आयरन बीम इज ऑफ टी सेक्शन एज शोन इन फिगर। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ए स्पैन ऑफ 8 मीटर। ओके, द बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑन द इंटायर स्पैन। डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम वही है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन का है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें टी सेक्शन दिया हुआ है। कौन सा सेक्शन दिया हुआ है? टी सेक्शन दिया हुआ है। तो आप फिगर में देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले नहीं कराए हैं टी सेक्शंस के। तो देखिए टी सेक्शन है, यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए टी सेक्शन है, इसका टॉप लेंथ जो है 100 mm विड्थ है, इसका थिकनेस दिया हुआ है 20 mm, और यहाँ पे वेव देखिए, वेव जो दिया हुआ है आपका, वेव का दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, वेव दिया हुआ है 80 mm हाइट, और इसका दिया हुआ है थिकनेस 20 mm। ठीक है, और टोटल टी बीम का जो थिकनेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वो 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हम लिखेंगे, और ठीक उसी तरीके से सबसे पहले हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करना मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स में करा रखे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में। देखिए अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, तो आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं। कुछ नया नहीं होने वाला है आपके साथ, कुछ ऐसा नहीं है कि टर्मिनसली आप नया चीज़ आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में और फिर से नई नई चीज़ों को सीख जाएंगे। पढ़ाई जो है इंटरलिंक चैन होता है, अगर आप पिछली चीज़ों को नहीं पढ़ते अच्छे से तो आने वाला नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों ने फेस किया है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर आप पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आने वाले चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो अगला जो सेमेस्टर है वहाँ पर भी नहीं समझने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान दें। एल दिया हुआ है 8 मीटर, डब्ल्यू की वैल्यू 1.5 किलोमीटर पर मीटर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब पूछा जा रहा है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, द सीजी ऑफ द लोकेशन इज टू बी लोकेटेड फ्रॉम द सीजी विल बी लाइंग ऑन द वाई वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो सबसे पहले हम सीजी निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहला काम करते हैं लेफ्ट मोस्ट पोर्शन का और बॉटम मोस्ट पोर्शन का। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे हम इसका सीजी आपको बताते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लेफ्ट मोस्ट पोर्शन को ले लिए, ठीक है, और यहाँ से उसके बाद बॉटम मोस्ट पोर्शन को यहाँ पे ले लिए। किसको ले लिए? लेफ्ट मोस्ट पोर्शन और बॉटम मोस्ट पोर्शन को ले लिए। अब उसके बाद में यहाँ से एरिया को डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, दो रेक्टेंगुलर पार्ट में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कहीं इसमें कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अब देखिए जैसे इस फिगर में आप कैसे निकालोगे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सीजी निकाला गया है, यहाँ पे देखिए एक्चुअली मैं ये फर्स्ट ऊपर वाले को ले लिया है, माना है पहला A1 100 into 20 माना है 18 into 20, देख लेते एक मिनट 18 into, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को ही फर्स्ट माने, किसी को भी आप मान सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, उसमें कोई बाउंडिंग नहीं है। बस मैं देख रहा था एक बार कि ये वहाँ पे कैसे बनाया है, क्योंकि मैं आपको कुछ बता दूंगा तो फिर नीचे में एक प्रॉब्लम आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पोर्शन और बॉटम मोस्ट पोर्शन मान लिए आप। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को फर्स्ट ले लिया सेक्शन, नीचे वाले को सेकंड ले लिया यानी वेव वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 into 2। अगर A1 निकालते हैं आप तो क्या हो जाएगा 100 into 2, ठीक है। अब उसके बाद Y1 पूछा जा रहा है, Y1 तो कैसे निकालेंगे आपको इस सेक्शन का Y1 चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले को डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो कितना है 80। तो देखिए 80 प्लस 20 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 80 प्लस 20 बाई 2। और जब आप A2 निकालेंगे तो इसका एरिया, वेव का एरिया, तो वेव का हाइट कितना देखो 80 और थिकनेस 20 है, तो 20 into 80 कर दीजिए, ठीक है, ये आपका निकल गया। जब आप निकालेंगे Y2 की वैल्यू, तो Y2 कैसे निकलेगा, टोटल 80 है, तो 80 का क्या कर दीजिए आप, आधा कर दीजिए, 80/2 कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा Y2 का वैल्यू। फिर से आप जो फॉर्मूला होता है Y1 निकालने का उसमें रख दीजिए, A1 Y1 plus A2 Y2 divided by A1 plus A2। इस फॉर्मूला को तो मैंने कितने बार आपको बता दिया कि इस फॉर्मूला को बार बार यूटिलाइज करना है, जब भी आप मोमेंट ऑफ एनर्जिया पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ के बारे में बार बार बता रहा था कितना इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, लेकिन आप लोग समझते नहीं है इसका इंपॉर्टेंस को कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए वही जैसे मैंने अभी बताया आपको वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है उसी तरीके से, जो फॉर्मूला है जो आपका A1 और A2 और Y में Y2 आया है उसको यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है, मैंने अलग से बता दिया और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है। देखिए जैसे ही आप लेवल आप बढ़ेंगे तो आपको बार बार चीज़ों को ब्रेक करके नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि डिटेल्स में पहले पढ़ाया जा चुका है, अब इसको बार बार हम ब्रेक करके नहीं बता सकते हैं, नहीं बुक में लिखा हुआ रहेगा। सो आपको पहले के जो चैप्टर से वो स्ट्रांग होने चाहिए। A1 की वैल्यू 100 into 20 आई थी, प्लस 80 into plus 20 by 2 मैंने बताया जैसे कि Y1 की वैल्यू, और A2 क्या हो गया, A2 हो गया 80 into 2, और यहाँ पे CG कितना पे हो गया 80/2 पे, और A100 into 2 और A2 क्या हो गया 80 into 20। पुट कीजिएगा सबको वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो 66.67 mm, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, बॉटम मोस्ट पोर्शन से आया है। डिस्टेंस याद रहिएगा स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आया, बॉटम मोस्ट पोर्शन से आया है। अब टॉप मोस्ट से कैसे निकालेंगे, टोटल जितना टी बीम का जितना हाइट है 100 है, 100 में से 66.67.7 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा कहाँ से, टॉप से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कंप्रेसिव दोनों निकालना है। तो याद रखिएगा ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो न्यूट्रल लेयर के ऊपर में क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, न्यूट्रल लेयर के नीचे में टेंसाइल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और कैंटिलीवर बीम में जस्ट उल्टा होता है, न्यूट्रल लेयर के ऊपर जो होता है टेंसाइल और न्यूट्रल लेयर के नीचे कंप्रेसिव होता है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वैल्यू है, वाइबर का वैल्यू, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे निकल गया, ठीक है, वाइबर की वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब I1 I2 निकालेंगे, ठीक उसी तरीके से I1 I2 निकालने के बाद में वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 निकालने के कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले के क्वेश्चंस में बता रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर उसी तरीके से चीज़ों को करना है, I1 निकालना है, तो I1 निकाल, तो सबसे पहले जो I1 क्या लिए थे हम लोग, जो आपका टॉप फ्लेंज था उसका लिए था I1, तो बी दिया हुआ है, बी कितना है 100 है, डी कितना है 20 है, बी डी को बाई 12, ये तो उसके अपने एक्सिस के अबाउट निकल गया, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, प्लस A1 हो गया, और प्लस K1 square, ठीक है, यही K1 square है डियर स्टूडेंट। K1 के बारे में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कि वाइबर जो आया है आपका, वाइबर आया है और वाई आया है, क्या है, वाइबर आया है और वाई आया है, दोनों में सॉरी Y1 आया है, दोनों में कंपेरिजन कीजिए, तो वाइबर का वैल्यू आया 32 point, चेक कर लेते हैं कितना आया है वाइबर का वैल्यू, थोड़ा सा वेट कीजिएगा,
वाइबर का जो वैल्यू आया है, एक बार चेक कर लेते कितना आया। वाइबर का वैल्यू आपको आया है, देखिए यहाँ पे 67.77 mm आया है ना, फ्रॉम बॉटम से। फ्रॉम बॉटम से कितना आया है, 67.77 mm सॉरी वाइबर का वैल्यू। और वाइबर का जो वैल्यू है आपका, वाइबर का आपका वैल्यू है 90 है, आई होप। वाइबर का जो वैल्यू है आपका 90 है और वाई टू का वैल्यू है आपका 20 है शायद। देखिए यहाँ पे निकाला नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाई वन का जो वैल्यू है यहाँ पे दिखा नहीं हुआ वहाँ पे, देखिए वाई वन का जो वैल्यू है आपका, इसका वैल्यू कितना होगा, 80 प्लस 20 बाई 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा वाई वन का वैल्यू। और वाई टू का वैल्यू देखिए, वाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/2 40। ठीक है, तो वाई वन का वैल्यू 90 है और वाई टू का वैल्यू कितना है, 40 है, ये याद रखिएगा। और वाइबर का वैल्यू कितना आया था, 67 point something के आसपास आया था। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, चूँकि थोड़ा ऑनलाइन में पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाइबर का वैल्यू आ गया 67.77 mm। तो देखिए यहाँ पे जो 67.7 mm आया है, और देखिए ये आया आपका कहाँ से, ये आपका आ गया टॉप फेस से 67.77 mm। अब देखिए न्यूट्रल लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 67 mm फ्रॉम द बॉटम फेस और 100 माइनस 67 पॉइंट, ये तो बताया था आपको टॉप फेस से कैसा आया, 100 में से घटा दिए थे, ये तो आपको मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए जो वाइबर का वैल्यू आया है आपका वहाँ पे, उसमें से आप यहाँ पे घटा दीजिए। तो देखिए आपका जो वाइबर का वैल्यू आया है 90 आया है, कितना आया है 90, तो वाइबर का वैल्यू कितना आया था 90, तो अब 67 तो 90 में से और 67.77 से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 90 और 67.77 में से 90 बड़ा है, तो 90 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चूंकि दूसरे तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे बताता हूँ 90 माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे ये अपने तरीके से बनाया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वाइबर और वाइबर में कंपेरिजन करना है आपको। ठीक है, वाइबर में और वाइबर में देखिए, वाइबर जो आपका वैल्यू था, वाइबर था आपका 67.77 और वाइबर का वैल्यू आया है आपका 90। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, ऊपर में 90 आया है, तो यहाँ पे 90 माइनस 67.77 कीजिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर कितना कीजिएगा, यहाँ पे 90 माइनस 67.77 इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से भी बनेगा लेकिन वो दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, फिर 32.33 mm लेके बनाया है, आप इस तरीके से बनाइएगा वाइबर और वाइबर में। तो वाइबर में और वाइबर में, वाइबर बड़ा था तो 90, उसको वाइबर में से घटा दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू ही है, इसे क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आई टू की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, तो आई टू आपका क्या था, जो आपका वेव था उसका थिकनेस 20 था और डी कितना था 80 था, बी डी क्यूब 12 प्लस ए टू था आपका 80 × 20। अब प्लस देखिए वाई टू और वाइबर में, वाइबर में और वाई टू में, वाइबर और वाई टू में देखिए, तो यहाँ पे वाइबर और वाई टू में वाइबर ही बड़ा है, वाइबर बड़ा है यानी 67.77 था और वाई टू का वैल्यू 40 था, कहाँ से आया मैंने आपको ऊपर दिखाया है, तो 67.77 माइनस 40 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाई टू का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं उसको नोट डाउन ऑनलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे आप जो मैंने आपको बताया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कीजिएगा। ठीक है, 90 माइनस कीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को ही आप कीजिए पूरे थ्रू आउट ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लाइए। ठीक है, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी बनेगा जैसे मैंने बताया है, उस ये जहाँ पे बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी बनेगा। वो कैसे किया गया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो आप 90 माइनस किए 67.77, इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से ही आप लोग बनाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी बता देता हूँ 32.23 - 10 कहाँ से आया है। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो। देखिए 32.23 आपका सी जी कहाँ से आया है, टॉप से आया है, तो टॉप से जो आया है ना आपको, टॉप से जो सी जी आया 32.23, उसके बाद में आप ऊपर से देख लीजिए उसका सी जी 10 कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो ऊपर से 20 था तो 20 का आधा पे लाइज कर रहा है यानी 10 पे लाइज कर रहा है, तो 22.23 माइनस 10 का कर दिया है, फिर वहाँ का स्क्वायर कर दिया। लेकिन आप वैसे नहीं बनाएंगे जैसा मैंने आपको भी बताया है, 90 माइनस 67.77 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो वहाँ पे K1 का वैल्यू आएगा, आप वैसे बनाइएगा। ठीक है, कुछ आपका आंसर सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया आप वैसे प्रोसीड कीजिएगा उसको।
तो वहाँ तक हो गया। आप आई के वैल्यू निकालिए। अब देखिए बोला जा रहा है ये यूडीएल को करस्पॉन्ड कर रहा है, जो बीम है यूडीएल को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो यूडीएल को करस्पॉन्ड कर रहा है कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है यूडीएल को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कितना आता है 8 आता है। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है शायद, ठीक है 1500 या 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर जो भी है दिया गया होगा वहाँ पे। अब देखिए एल की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे 8 स्क्वायर है डिवाइड बाई में 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12000 न्यूटन मीटर, ठीक है न्यूटन मीटर। अब इसको चेंज कीजिएगा एमएम में तो ये आ जाएगा न्यूटन एमएम में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे आप, एम बाई आई इजकल टू सिग्मा वाई वाई, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा इजकल टू एम बाई आई इंटू वाई। अब आपको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, सो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग वाई का जो वैल्यू है आप यहाँ पे टेंसाइल कहाँ लेंगे बॉटम मोस्ट पोर्शन में, यानी कि मान लीजिए आपका न्यूट्रल लेयर है और न्यूट्रल लेयर के नीचे में क्या होता है मैक्सिमम टेंसाइल होता है, ठीक है मैक्सिमम टेंसाइल यहाँ पे होता है न्यूट्रल लेयर के नीचे में यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कहाँ पे होगा न्यूट्रल लेयर के ऊपर में, न्यूट्रल लेयर है आपका ये न्यूट्रल लेयर और उसके ऊपर में क्या होगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव सिग्मा सी और यहाँ पे सिग्मा टी, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस अगर आपको पूछा जाएगा तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर डिस्टेंस तो कितना था 67.77, यहाँ पे वाई का वैल्यू रखिएगा और एम का वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है पहले मैंने जैसे निकाला था और आई का वैल्यू भी करस्पॉन्ड कर रहा है इतना के अकॉर्डिंग और सिर्फ यहाँ पे वाई का वैल्यू चेंज हो गया, तो ये आपका निकल गया मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम कंप्रेसिव निकालना है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव कहाँ पे होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर में, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आया था वाई का वैल्यू 32.23 आया था यहाँ पे वाई का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम का वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे एम का वैल्यू निकाले थे हम लोग जो कांस्टेंट है जैसे कि पहले था और आई का वैल्यू भी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया का अभी था और यहाँ पे वाई जो है यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर मोस्ट फाइबर है कंप्रेशन जोन में वहाँ पे 32.23 था, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 123.08 न्यूटन, ठीक है पर एमएम स्क्वायर। ये आपका आ गया मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। देखिए आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर गए थे तो कितना आया था वहाँ पे मैंने बताया था ना कि न्यूट्रल लेयर से ऊपर की ओर में डिस्टेंस कितना आया है, पूरा में से घटा दिया था जितना आया था बॉटम का, ठीक है। तो ये आपका आ गया था ये मैक्सिमम क्या निकल गया कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल गया। और न्यूट्रल लेयर पे जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है जीरो होता है, सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा न्यूट्रल लेयर पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है जैसे कि आप इस डायग्राम से भी देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव करेंगे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या कोई और बीम है तो कंप्रेसिव होगा और नीचे में टेंसाइल होगा, बट कैंटिलीवर बीम के केसेस में जो जोन होता है रिवर्सल हो जाता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है ऊपर में टेंसाइल और नीचे में कंप्रेसिव। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। अब आपका काम बच गया है कि आप लोग पीडीएफ नोट्स को प्रीपेड करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, कहीं भी डाउट्स है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसके व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ से बिल्कुल जितना जल्दी हो सकेगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे सिलेबस को इस सेमेस्टर में जरूर पढ़ें, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आप सभी जो है सिलेबस को पढ़ नहीं रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा या जो भी है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को लॉस कर रहे हैं। इतना बेटर टाइम जो आपको मिला हुआ है घर पे रह करके ऑनलाइन क्लासेस कराया जा रहा है, सारे फैकल्टीज़ के द्वारा सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, फिर भी अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, ठीक है, क्योंकि हम सभी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आगे आने वाले सेमेस्टर में भी होने वाला है। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एक चैप्टर का दूसरे से कितना ज़्यादा इंटरकनेक्शन है। अगर आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आ रहा होगा और आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आने वाला है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैंने जितने दिन से बता रहा है कि आपको जो चैप्टर मैंने पढ़ा रहा है उसको कम से कम अच्छे से पढ़ें, एटलीस्ट आप लेक्चर्स को देखो, लेक्चर्स के पीडीएफ तो कंप्लीट करें। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाहर से कोई रिसोर्सेज से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो लेक्चर नोट्स आपको मिल रहा है वहाँ तो कंप्लीट करेंगे ना आप। हम लोग तो सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, गूगल क्लासरूम में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, क्विज करा रहे हैं, क्वेश्चंस को करा रहे हैं, तो आप लोग को भी करना चाहिए। सो आई होप को आप मेरी बातों को समझे होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन।